हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जब बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले बालों को कलर करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल होता है। अधिकतर लोग मेहंदी लगाते हैं, पर मेहंदी का ये लाल टिपिकल कलर सब लोगों को नहीं अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको मेहंदी को काला करने का तरीका या मेहंदी के कलर को गहरा करने का तरीका बताऊँगा, जो आपको बालों पर काला रंग देगा। और इसमें जो भी चीज़ें मिलाई गई हैं वो सारी नेचुरल हैं, स्किन फ्रेंडली हैं, बालों को नरिश भी करती हैं और साथ ही इनसे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। तो पहली चीज़ है बहड़ा। ये जो त्रिफला फल होता है उसमें से एक फल बहड़ा भी होता है। इसके गुठली और इसके छिलके दोनों का हमें इस्तेमाल करना है। ये देखिए, इसकी गुठली है, ये इसका छिलका है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका हम आगे देख लेंगे। और मेहंदी तो में मिलाना ही है सभी कुछ। मेहंदी किसी भी अच्छी कंपनी की आप ले लें। और तीसरी चीज़ है इंडिगो लीफ पाउडर, नील की पत्ती का पाउडर। ये सदियों से हेयर डाई के लिए, डाई के तौर पे नेचुरली डाई के लिए इस्तेमाल होता आया है। चौथी चीज़ है मनपुर भस्म, जिसमें आयरन का कंटेंट बहुत होता है। ये एक नेचुरल कलरेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, आसानी से मिल जाता है ये। पाँचवीं चीज़ है कॉफ़ी का पाउडर। और लास्ट में है बहड़े के गुठली का पाउडर, जिसको बनाने का तरीका अभी हम देखते हैं। ये देखिए बहड़ा है, इसको हम फोल्ड लेंगे और इसका छिलका अलग कर देंगे। और ये इसकी जो बीच में गुठली दिख रही है, इसका हम ये इस गुठली का हम पाउडर बना लेंगे। और ये गुठली का पाउडर है और बाकी जो छिलका था हमने उसको पानी में भिगो दिया है। दोस्तों, बहड़ा बहुत सस्ता मिलता है और ये बालों पर लगाने के बाद बालों पर काला रंग छोड़ता है और बालों के लिए भी अच्छा है। ये देखिए, बहड़े को हमने पानी में भिगो दिया है। अब इसको हम उबाल लेंगे और उबालने के बाद इस पानी को छान लेंगे और इसी पानी का इस्तेमाल हमें मेहंदी को घोलने के लिए, मेहंदी में पानी की जगह मेहंदी बनाने के लिए इसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम एक लोहे की कढ़ाई में 5 चम्मच मेहंदी ले लेंगे, किसी भी अच्छी कंपनी की। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में मेहंदी ले सकते हैं। बाकी 2.5 चम्मच इंडिगो लीफ पाउडर मिलेंगे, ले लेंगे। ये भी बहुत आसानी से अमेज़न पर मिल जाता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम मिलाएंगे मनपुर भस्म, ये पतंजलि में बहुत सस्ती मिलती है, अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, आसानी से मिल जाती है। इसको 1 चाय का चम्मच मिलाएंगे। और चौथी चीज़ हम मिलाएंगे बहड़े की गुठली का पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच इसको भी इसमें मिला देंगे। बहड़ा भी बहुत आसानी से, बहुत ही सस्ता मिलता है, लोकल मार्केट में भी या अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं आप। और लास्ट में हम मिलाएंगे 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी का पाउडर। कॉफ़ी बाल हेयर फॉलिकल की ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है और ऐसे नेचुरल कलरेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इन सबको मिलाकर लास्ट में हम जो हमने बहड़े के छिलके का पानी बनाया था, उस पानी को डालकर मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद कम से कम 2 दिन के लिए इस मेहंदी को हम छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद हमें इसको इस्तेमाल करना है। अभी आपको दिखाते हैं कि 2 दिन के बाद इसका कलर कैसा होगा। इसको अच्छे से मिला लें, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। और इसके बाद इसको ढककर के लिए 2 दिन के लिए आप छोड़ दें। ये देखिए, 2 दिन के बाद बिल्कुल ब्लैक सा कलर आ गया है। और मैं आपको ये फिंगर पे लगाकर दिखा भी रहा हूँ कि देखिए, लगाने के बाद बिल्कुल ब्लैक सी दिख रही है। इसी को आपको हर 15 दिन में एक बार लगाना है। इससे आपके बाल भी नरिश होंगे और आपके सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले दिखने लगेंगे। ये बालों के लिए भी अच्छी है। प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू।